कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। इस वक्त हम है कुशीनगर जनपद के थाना निभुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम सभा पटखौली में। जैसा कि आप ये मकान देख रहे हैं, ये मकान आज से एक महीना पूर्व लिंटर हुआ, जिसकी दशा आप देख सकते हैं कि बारिश में टपक रहा है। कारण सीमेंट का गुणवत्ता विहीन होना, या फिर एक्सपायर में होगा या फिर नकली सीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्त्री लगाए गए थे उनसे भी बात करेंगे। और जहाँ तक हमने उनसे पूछा है, उनका कहना है कि जो जिस तरह से मटेरियल लगता है, 2.5 एक का मसाला बनता है, 2.5 एक के मसाले से ही लिंटर हुआ है। हर जगह हम लोग करते हैं लेकिन ये दशा नहीं होती है। और आप ये देख सकते हैं, ये सुलहनामा लिखा गया है। जब इनका मकान बिगड़ा, टपकने लगा, तो जहाँ से ये सामान लेकर आए हैं उनके खिलाफ इन्होंने थाने में दरखास्त दिया, और दरखास्त में उन्होंने एक समझौता सुलहनामा तैयार करवाया कि यदि मेरे मटेरियल में कोई गलती निकलती है तो जांच उपरांत हम दोबारा लिंटर करवाएंगे, किंतु जांच करेगा कौन? जिसका घर है उनके पिता नहीं है, और आप देख सकते हैं बगल में खड़े हैं, ये पढ़े लिखे भी नहीं है और इनको उतनी जानकारी भी नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, करना क्या है। अगर ये इतने होशियार होते तो जो थाने में ये सुलहनामा लिखा गया उस पर ये ना लिखते कि जांच उपरांत, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो साफ दिख रहा है कि घर टपक रहा है, और छत के ऊपर जो हमने कुरेद कर देखा है एक महीने बाद भी वो यूं ही उखड़ जा रहा है, हाथ से रगड़ने पे उखड़ रहा है। थोड़ा सा हमने चाकू से कुरेद के देखा है, सब उखड़ गया है। छत के ऊपर से लगभग 1 फुट छत जो है वो पूरी गिट्टी दिख रही है। क्या नाम है आपका? सलामुद्दीन। कितने दिन पहले आपका लिंटर हुआ था? करीबन 1 महीना हो गया। किसके यहाँ से मटेरियल लाए थे? जय गुरुदेव मटेरियल पास है। कहाँ है ये? ये पढ़ने में पड़ता है। क्या क्या लेकर आए थे आप? गिट्टी, बालू, सीमेंट और छड़िया। अच्छा, आपको ये जानकारी कब हुई कि ये घर खराब है, मतलब टपक रहा है और मटेरियल में ही खराबी है? ये कनाव छत लिंटर से 2 दिन पहले ही हम लोग को पता लगे सेट नहीं कर रहा है। उसके बाद से हम लोग जब उन लोग के पास फोन किए तो इंजीनियर अपना लेकर आए, वो बोले 14 दिन रुक जाओ, 14 दिन के बाद ये सेट कर देगा। 14 दिन जब हो गया तो मैंने फोन किया, बोल रहे हैं। उसके बाद से बोले ये सेटिंग खुलवाओ, टपकना नहीं बंद हो जाएगा। सेटिंग मैंने खुलवाया, उसके बाद से मैंने देखा फिर टपक रहा है। फिर से मैंने उन लोग पास फोन किया, फिर से एक बार आए, फिर से समझा चले गए, खाली देर दे रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। जब सेटिंग लगा था तभी टपक रहा था? हाँ, सेटिंग लगा था तभी से टपक रहा है। उसके बाद से वो बोल रहे हैं, मैं बोला तो उन लोग बोले हैं पलाई पकड़ के सब टपक रहा है, पलाई जब खुलवाओगे तो नहीं टपकेगा। अच्छा, कितने दिन में बताया उन लोगों ने कि सही हो जाएगा? उन लोगों ने 14 दिन का समय दिया था, 14 दिन से आज 1 महीना हो गया, फिर भी यार टपक रहा है, पूरा छत टपक रहा है। कंप्लेन आपने कब दिया था? करीबन 10 दिन हो गया। और ये सुलहनामा कब का है? 2023 का, 2 दिन पहले का जी। उसके बाद वो लोग आए यहाँ? हाँ आए, उसके बाद से नहीं आए हैं, आज आने वाले थे लेकिन पता नहीं क्या होगा, नहीं आया। आपने बात किया है इस विषय में कि टपक रहा है, क्या कर रहा है? हाँ हाँ, पूरा बात किया है। क्या कह रहे हैं वो? बोल रहे हैं वो जो उसका कंपनी वो जानेंगे, हम तो नहीं जान रहे हैं। मतलब माल ये बेचे हैं और कंपनी जानेगा? हाँ जी, वो बोल रहे हैं। कौन करवाएगा, आपने नहीं पूछा? जांच तो करवा, बोल रहे हैं तो जांच मैं करा दूंगा। जांच करवाए, वो गाड़ी वोड़ी लेकर आए थे जो उन लोग ढाले थे साचा में, तो वो फूट भी गया, वो फूट गया। उसके बाद से जांच में अपना सीमेंट का, तो वही बोल रहे हैं मेरा सीमेंट ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा लिंटर क्यों नहीं सेट हुआ है? आपने छत नहीं दिखाया कि पूरा टूटा है? पूरा दिखाया हम लोग। तब क्या कहे वो लोग? उसको वो सिर्फ अपना बढ़ावा कर रहे हैं, सीमेंट अच्छा है और कुछ उधर गलती है, कुछ उधर इधर से उधर बात कर रहे हैं बस। सीमेंट अल्ट्राटेक की थी जी? आपने अल्ट्राटेक कंपनी में कंप्लेन किया है? कंप्लेन किया, 15 दिन हो गया, फिर भी उधर से कोई व्यक्ति नहीं आ रहा नहीं। ये छत आपने देखा, अंदर भी दिखाते हैं आपको किस तरह से पूरा सीम बना हुआ है छत में, और पूरा छत टपक रहा था। वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा भी सकते हैं, क्योंकि इस समय तो फिलहाल बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा जो है सीम उठाया हुआ है छत, और छत के ऊपर से हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लिंटर हुआ है, कि खुरदने से पूरा लिंटर उखड़ रहा है और किस तरह से पूरी गिट्टी दिखाई दे रही है। फिलहाल जो मिस्त्री ये लिंटर किए हैं, राजमिस्त्री, उनसे भी बात कर लेंगे, और जो इसकी गुणवत्ता है वो भी जान लेते हैं कि किस तरह से कितना सीमेंट उन्होंने डाला था, कितना बालू डाला था, गिट्टी कितनी थी, मोरंग पड़ा था या नहीं पड़ा था, आखिर ये दशा क्यों हो रही है। हमारा नाम केदार है। ये घर कितने दिन पहले लिंटर हुआ था? लगभग 1 महीना हो गया। आप ही लिंटर किए थे? हम तीन आदमी थे। मसाला कितने का बना था? 2.5 एक का बना था। हाँ,
ढाई का मसाला केवल यही बनाता है या फिर अन्य जगहों पे भी आप काम करते हैं? हर जगह बनता है, हर जगह ढाई का बनता है। इससे पहले भी कहीं आपने देखा है कि घर टपक रहा हो? नहीं, कहीं नहीं देखा है। क्या कमी हो सकती है? इसमें कमी है ये भाई टपक रहा है तो भाई यही है कि 2-4 साल 10 साल बाद गिरी जाएगा। जब सीरन जब पकड़ेगा सरिया जो मुर्चे खाएगा तो अपना आप जगह जगह टूटना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को थोड़ा सा जरूर जानकारी होता है कि सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, आप काम करते हैं? हम तो यही जानते हैं कि भाई सीमेंट नहीं सही, मिट्टी जैसा है। सीमेंट मिट्टी जैसा है? हाँ, कोई लस्सी लसम नहीं आता इसमें। जो सीमेंट अल्ट्राटेक यहाँ पड़ी हुई है उसमें? हाँ, उसमें जो यहाँ पड़ी है उसमें कोई लसम नहीं है। कितने दिन से आप मिस्त्री का? 20-25 साल हो गए काम करते हुए। यहाँ से चंडीगढ़ ज्यादा से ज्यादा दिन हम गोरखपुर में रहे। कितना मकान अब तक आप? हम बहुत मकान बना चुके हैं, इंजीनियर के साथ भी मैं रहा हूँ, लेकिन ऐसा नौबत कहीं नहीं आया है। कमी क्या रह गई? अब कमी अब क्या हम बताएं, सीमेंट को कमी यही लग रहा है कि सीमेंट में कुछ कमी होगा।